बात किया और आके ब्राउज़र में इसको ये मैंने रन कर लिया। तो ठीक है जी, रिज़ल्ट में फॉल्स यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है जी, तो इस ओपन में ट्रू था और ट्रू के ऊपर मैंने ये नॉट लगाया, तो नॉट क्या करता है, उसको पलट देता है। ट्रू होता है तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो ये इस पूरे ने क्या किया, फॉल्स रिटर्न किया और यहाँ पे फॉल्स चला गया एज अ रिज़ल्ट। ठीक है जी, अच्छा, और यहाँ पे प्रिंट भी हो गया फॉल्स। अब आज हमने जो देखना था एक्चुअल चीज़, वो ये देखनी थी कि अगर इसको ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ और अगर दे दूँ मैं तो क्या होता है ना, ये देखना था मुझे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ कि कोई भी नाम रख देता हूँ, कि यूज़र नेम जॉन। सही है। अच्छा, अब मैं अगर इस ओपन की जगह यहाँ पे इसको ये यूज़र नेम दे दूँ तो इस पे जब नॉट लगेगा तो क्या होगा, कौन मुझे बताएगा? ये जो थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट पहले से जिन्होंने पढ़ी हुई है वो कोई अपना ओपिनियन देना चाहे अगर, या जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी वो भी दे सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है कि लॉजिकली क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए यहाँ। हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट के अभी तक जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ तो आ जाना चाहिए कि इसमें क्या पार्स करता है। तो पार्स करके क्या करेगा, इसको ट्रू कर देगा, मतलब रिजल्ट में ट्रू आएगा, मतलब आप कह रहे हैं फॉल्स आएगा। कैसे? हाँ, बिल्कुल यार, इन्होंने भी सही बताया। इन्होंने कहा कि क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो पार्स करते हुए वो ये देखता है कि ट्रूथ ही वैल्यू है कि फॉल्स ही वैल्यू है। तो स्ट्रिंग जो है वो ट्रूथ ही वैल्यू है, तो उस पे नॉट लगेगा तो फॉल्स हो जाना चाहिए। अच्छा, एम्प्टी स्ट्रिंग अगर होता तो वो फॉल्स ही वैल्यू है, तो वो ट्रू हो जानी चाहिए थी। तो अब ज़रा देखते हैं कि इसका मतलब है कि अभी भी फॉल्स दे रहा ही है तो फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। आगे ज़रा इसको देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। इस सब लोगों को समझ आई है बात, ऑब्वियस बात है। ठीक है, पहले भी इसी तरह पार्स करता था, अभी भी इसी तरह करेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एक नंबर दे दूं इसको, मैं के सही है, यूज़र हाइट इन सेंटीमीटर, सही है, 170। अगर मैं एक नंबर दे दूं यहाँ पे तो ये क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि नंबर भी क्या है, ट्रूथ ही वैल्यू है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा स्टिल, क्योंकि ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। अच्छा, एक और नंबर वैल्यू मैं बना देता हूँ जिसको मैं रख देता हूँ -23। अभी -23 ट्रूथ ही वैल्यू है, फॉल्स ही वैल्यू है, अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है तुम लोगों के चेहरों पे, ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ ज़ीरो फॉल्स ही वैल्यू होती है, सही है, सिर्फ ज़ीरो जो है नंबर के स्केल पे पूरे पे सिर्फ ज़ीरो फॉल्स ही है, बाकी तमाम ट्रूथ ही हैं। तो ये अभी भी ट्रूथ ही वैल्यू ही है, तो यहाँ पे उसको ये फॉल्स करेगा स्टिल। ठीक है, ये फॉल्स कर दिया इसने। अच्छा, ऑन अदर एंड अगर मैं इसको कर दूँ ज़ीरो, तो अब ये जो है क्योंकि ज़ीरो इज़ अ फॉल्स ही वैल्यू, तो इस पर नॉट लगेगा तो ये ट्रू हो जाएगा। सही है जी, रिफ़्रेश किया मैंने, ट्रू हो गया रिज़ल्ट। अच्छा, अब अगर इसकी जगह मैं कुछ और भी कर दूँ, मैं अनडिफाइंड भी कर दूँ, अनडिफाइंड इज़ अ फॉल्स ही वैल्यू, तो इसको स्टिल ये ट्रू करेगा। हाँ, माइनस प्लस हर तरह का जीरो जो है वो जरूर जीरो रहेगा। अच्छा, अगर इसको एम्प्टी स्ट्रिंग करूँ तो ये फॉल्स ही वैल्यू है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये इसको नॉट लगेगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो गया। सही है, और कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं रह गई जो हम, नल भी फॉल्स ही है, सही है, नल भी फॉल्स ही है, इस पर नॉट लगेगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो गया। ठीक है, तो अब इसको इनपुट में वैसे तो बूलियन चाहिए, लेकिन अगर इसको बूलियन के अलावा भी कुछ भी हम नंबर देते हैं तो ये डिपेंडिंग ऑन कि वो ट्रूथ ही है या फॉल्स ही है, उसको बूलियन में पार्स करेगा, उसके बाद उस पर नॉट लगाएगा ये। ठीक है जी, तो ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई हमें कि भाई ये कैसे चल रहा है मामला यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले ऑपरेटर पे, जो कि है एंड ऑपरेटर। अब एंड जो है हमारा वो बाइनरी ऑपरेटर है, सही है। अब यही चार वैल्यू मेरे पास, एक बूलियन है, एक स्ट्रिंग है, और एक जो है वो नंबर है, और एक हमारे पास नल है।
मैंने कहा कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, ठीक है, इज ओपन एंड एंड यूजर नेम. अब ये दोनों क्या रिटर्न करेंगे फिलहाल के लिए? अच्छा पहले तो सीधा सीधा करते हैं ना. नहीं सीधा सीधा तो तुम लोगों को पता है कि मतलब ट्रू दोनों तरफ ट्रू होता है तो ट्रू करता है. अच्छा अभी इस वक्त क्या है, एक तरफ ट्रू है और दूसरी तरफ जो है वो एक अदद स्ट्रिंग है. अब बताओ ये क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, देख लेते हैं. इसने जॉन रिटर्न किया, सही है, इसने जॉन रिटर्न कर दिया. क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है? कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एक किसी का ओपिनियन कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, एक तरफ जो है वो ट्रू था और दूसरी तरफ भी ट्रू थी, वैल्यू थी लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में थी. अच्छा अगर मैं यहाँ पे मैं दे दूँ यूज़र हाइट इन सेंटीमीटर, एक तरफ नंबर और एक तरफ स्ट्रिंग, तो 172 आपके ख्याल में आएगा? अभी भी जॉन दे रही. हाँ दोबारा बोलो, तुम्हारी बात मैं समझा नहीं. पहले तो उसको समझ मार के वैल्यू ट्रू है पहली वाली. हां उसी से जब जा रहा है तो वो स्ट्रिंग होना ट्रू. अब मैं डिक्लेयर कैसे करना, फॉल्स डिक्लेयर कैसे करना, तो ट्रू स्ट्रिंग के अंदर की वैल्यू है ना उसको प्रिंट करेगा. नहीं तो अगर मैं इस यूजर को अगर यहां पे कट करके मैं पहले नंबर पे ले आऊं, यानी अकॉर्डिंग टू तुम्हारे जो थ्योरी तुमने बताई, तो पहले पे अगर ले आऊं तो अब पहले ही उसको जॉन रिटर्न कर देना चाहिए या अभी भी लास्ट वाली वैल्यू करेगा? देखते हैं क्या होता है. अब ये 170 कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि लास्ट वाली वैल्यू करता है. ये चक्कर नहीं है कि स्ट्रिंग वाला चक्कर नहीं है, लास्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है. अब ये इतना तो चलो समझ आ गया कि ये हमेशा लास्ट वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है. अच्छा अब इज ओपन को मैं फॉल्स कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको इज ओपन. तो अब पहली वैल्यू फॉल्स है और दूसरे में एक नंबर है. अब क्या इसको रिटर्न करना चाहिए, क्या लगता है? आखिरी वाला ही करेगा अभी भी, फॉल्स. ऐसा क्यों हुआ? अच्छा अब जो ट्रूथ टेबल जो बताई थी ना, वो ट्रूथ टेबल सही है वैसे तो समझाने के अतबार से, लेकिन अभी जो मैंने आपके सामने एक दो स्टेप्स किए ना, इससे ये पता चलता है कि ये एंड ऑपरेटर को जब सारी वैल्यू अगर ट्रू मिलती जाती है ना, अगर तो जो लास्ट में सबसे उसको मिलता है ना ट्रू, वो रिटर्न करता है. मतलब ये ट्रू की बात नहीं है, वो उस वैल्यू की बात है. ये भी असल में क्या चेक कर रहा है, ट्रूथी और फॉल्सी चेक कर रहा है, सही है. मिसाल के तौर पे अगर मैं ये सारी ट्रूथी वैल्यू उसको देता जाऊँ, मैंने कहा कि भाई नेम, मैंने कहा नेम, उसके बाद हाइट और उसके बाद एंड एंड लगा के मैंने कोई उसको ऐसे दे दिया कार, तो अब क्योंकि सारी वैल्यू ट्रू है तो ये लास्ट तक जाएगा भी और लास्ट वाली वैल्यू फिर मुझे रिटर्न कर देगा ये. तो इस बार ये कार रिटर्न करेगा, ठीक है, कार रिटर्न कर दी इसने. ये हमने एक फिनोमेना देख लिया था. अच्छा फिर हमने ये फिनोमेना देखा कि बीच में कहीं पर अगर आ जाए फॉल्सी वैल्यू तो वो वहीं रुक जाता है. बीच में अगर कहीं पे आ जाए फॉल्सी वैल्यू तो वो वहीं पे रुक जाता है और वो फॉल्सी वैल्यू रिटर्न कर देता है. अच्छा अगर मैं इस फॉल्स की जगह अगर इसको मैं नल दे दूँ, तो यानी कि ये नम है ना मेरे पास, ये नम के अंदर नल मौजूद है, तो बीच में अगर मैं फॉल्सी वैल्यू में फॉल्स के बजाय अगर नल दे दूँ तो क्या ये स्टिल फॉल्स रिटर्न करेगा? नल रिटर्न कर रहा है, सही है. अच्छा तो अब ये एंड ऑपरेटर का जो एक्चुअल बिहेवियर है वो क्या है?
वो पहली वैल्यू देखता है, अगर ट्रू है वो तो ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अगली वैल्यू देखता है, ठीक है वो भी ट्रू है तो ठीक है, उसके बाद अगली वैल्यू देखता है, अगर आगे कोई वैल्यू नहीं है तो ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो यही वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर आगे है तो आगे जाता रहेगा वो, वो जहाँ तक वैल्यू मिलती जाएगी जाता जाएगा और सारी ट्रू होनी चाहिए जब वो आगे जाएगा। अच्छा बीच में कहीं भी एक भी अगर फॉल्सी वैल्यू मिल गई ना तो वहीं रुक जाएगा और वो फॉल्सी वैल्यू रिटर्न कर देगा, सही है। अब ये इसका एक टिपिकल बिहेवियर है, आमतौर पर इस तरह से इसको यूज़ बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है करने की ना, ठीक है, लेकिन यूज़ होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये यूज़ नहीं होता, ये वाला बिहेवियर इसका यूज़ होता है आमतौर पर, ये नल चेक के लिए यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब यूज़र का इनपुट तो हम नहीं इससे वो कर रहे होते, प्रोसेस नहीं कर रहे होते, लेकिन ये नल चेक कर रहे होते हैं कि ये वैल्यू आया कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, सही है। तो ये याद रहने वाली चीज़ नहीं है, ये याद नहीं रहेगी आपको, ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, वरना ये अभी भूल जाओगे क्लास से निकलते ही। अच्छा तो मैं इसका एक ना डायग्राम बना देता हूँ ताकि भूलो ना, इसका तो पता चल गया ना, नॉट का तो ईजी था, अब इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, सही है, ट्रू, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, ट्रू, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, यानी ट्रू का मतलब ट्रूथ ही वैल्यू है, सही है। अब जितना इसको मिलता जाएगा ना, एंड 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 करके जितना मिलता जाएगा, सही है, तो ये ट्रू ट्रू जाता जाएगा आगे, सही है। विल रिटर्न लास्ट वैल्यू, सही है, लास्ट ट्रू वैल्यू, सही है, एक दो तीन चार, अभी हमारे पास तो खैर एक दो और तीन वैल्यू है सिर्फ, लेकिन मैंने यहाँ पे चार लगा दिए कि जहाँ जहाँ तक जाता जाएगा ना ये, अच्छा बल्कि ये वाला साइन क्यों लगा रहा हूँ मैं इसको, एंड एंड लगाऊंगा ना मैं, एंड एंड लगाऊंगा मैं, ठीक है, विल रिटर्न लास्ट ट्रू वैल्यू, अब ये ट्रू भी हो सकता है इटसेल्फ, अच्छा ट्रू की जगह कोई ट्रूथी वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, ये एग्जैक्टली ट्रू की बात नहीं हो रही, ट्रूथी वैल्यू यानी इन तमाम ट्रू की जगह पे कोई ट्रूथी वैल्यू हो सकती है। अच्छा अगर इसको कहीं मिल गया बीच में, कोई फॉल्सी वैल्यू मिल गई इसको, सही है, नल, विल स्टॉप एट फॉल्सी वैल्यू एंड विल रिटर्न दैट फॉल्सी वैल्यू, सही है, अगर इस पूरे चेन के बीच में कहीं पे भी एक फॉल्सी वैल्यू आ गई तो ये वहीं पे रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा ये, उससे आगे इक्वेशन को लेके ही नहीं जाएगा ये, अभी उससे आगे नहीं लेके जाने से कुछ स्पेशल किस्म के इफेक्ट बनते हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये जो बीच में रुक जाता है ना ये आगे नहीं जाता, जब फॉल्सी वैल्यू जहाँ देख ली ना इसने तो ये अब इससे आगे इधर बढ़ेगा ही नहीं, ये इधर ही से वापस आएगा और यहीं से उस फॉल्सी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। नहीं कंटिन्यूसली फॉल्सी वैल्यू अगर आ गई ना, ये अभी मैं तीसरी कंडीशन वही बना रहा हूँ, अगर पहले में ही इसको फॉल्स मिल गया तो बाकी भले ट्रू हो, सही है, विल स्टॉप एट फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू सही है, तो कुछ इस तरह से इसका इक्वेशन चल रहा है, कोई और कॉम्बिनेशन रह तो नहीं ना गई, नहीं बस पहले पे फॉल्स मिल गया तो आगे बढ़ेगा ही नहीं ना, अब आगे जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता, हाँ। अच्छा इसका बहुत गहरा ताल्लुक ना लॉजिक से है, जो फील्ड ऑफ स्टडी जो हम पढ़ रहे थे उससे ताल्लुक है, अगर किसी ने वो लॉजिक पढ़ी है ना तो उसको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, लेकिन जिसने नहीं भी पढ़ी लॉजिक तो ये असल में हम लॉजिक ही पढ़ रहे हैं, ये असल में हम लॉजिक ही पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं ज़रा आपको रिकॉल करवाता हूँ, कनेक्ट करवाता हूँ पिछले टॉपिक से, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में जब आपसे जिक्र किया था कि व्हाट इज़ लॉजिक,
तो मैंने ये कहा था कि दो एग्जिस्टिंग फैक्ट को मिला के मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है और ऐसा है तो ये तीसरी बात होनी ही चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर ज़मीन की ग्रेविटी को आप मान रहे हैं और आप प्लास्टिक का टुकड़ा छोड़ते हैं तो वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हैंस प्रूफ के प्लास्टिक भी मैग्नेट में चपकता है, प्रूव हो गया। अब इसमें से कोई एक भी बात अगर फॉल्स हो जाती है, मतलब पहली ही बात फॉल्स हो जाती है, यानी ज़मीन मैग्नेट कोई मान ही नहीं रहा, बंदा कोई मान ही नहीं रहा कि ज़मीन मैग्नेट, तो अगली बात उससे होगी नहीं, अगली बात तक पहुँचेंगे ही नहीं हम। वहीं ट्रू वो बोलेगा भाई ज़मीन मैग्नेट है ही नहीं, है ना। कुछ लोग हैं बाय द वे बोलते हैं वो कि ज़मीन मैग्नेट वैग्नेट नहीं है, वो डेंसिटी की वजह से हम नीचे आते हैं, जो डेंस होती है चीज़ वो नीचे जाती है, जो थिन होती है वो ऊपर चली जाती है। सही है, तो है एक तबका मार्केट में घूम रहा है और उनके एविडेंस भी बड़े स्ट्रांग है बाय द वे, ठीक है। लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस उसको मानती नहीं है, क्योंकि हम साइंस के दौर में जी रहे हैं और साइंस मांगती है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव होने वाला आइटम, तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव करने में, बाय द वे एक और भी आपकी नॉलेज में इजाफा करूँ, आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी कि आप अगर एक कमरे में बंद हैं ना और आप 9.8 की स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, तो आप कमरे के अंदर रहते हुए ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि क्या मेरा रूम ऊपर जा रहा है 9.8 की स्पीड से या मैं मैग्नेट मुझे खींच रहा है 9.8 की स्पीड से, ठीक है ना। तो ये अभी भी थ्योरी है ये बात, ज़मीन का जो मैग्नेट है ना, जो वो वाकई मैग्नेट है या नहीं है ये साइंस में प्रूव नहीं हुआ अभी तक। हाँ, मगर ये है कि वो थ्योरी ही इतनी स्ट्रांग है कि उस पर बहुत सारी कैलकुलेशंस चल रही हैं। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं, वो मतलब साइंस जो मानती है वो बता रहा हूँ कि भाई ग्रेविटी तो है, हम चपक तो रहे हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कि हमारा पूरा सिस्टम 9.8 की स्पीड से कहीं जा रहा है इसलिए हम चपके हैं, मे भी। तो ये डिस्टिंग्विश आपको बाहर निकलना पड़ेगा रूम से, जैसे लिफ्ट है ना, लिफ्ट के अंदर हैं आप, तो लिफ्ट से बाहर निकलना पड़ेगा ये मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए कि अच्छा ये लिफ्ट ऊपर जा रही है या कोई ग्रेविटी का चक्कर है, ठीक है। तो ये लॉजिक जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट, उससे मैंने कनेक्ट करवा दिया कि ये क्या बात हो रही है, ठीक है, एंड वाली जो लॉजिक है। अच्छा, अब यही सेम चीज़ और में भी है, मतलब ये ट्रूथ टेबल तो समझाने के लिए, समझ रहे हो, ट्रूथ टेबल तो समझाने के लिए ना, ये हो ये भी ट्रूथ टेबल वाला काम रहा है। अगर हम वापस ट्रूथ टेबल में जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो लास्ट वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है असल में ये। अच्छा, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स आ गया ना, तो ये जहाँ फॉल्स मिल गया ये वही रिटर्न हो जाएगा और वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, पहला फॉल्स है तो बस यहीं से रिटर्न हो गया, फॉल्स आ गया, पहला फॉल्स है यहीं से रिटर्न हो गया, हो यहाँ पे भी वही रहा है, लेकिन यहाँ जब मैंने ट्रूथ टेबल बताया था तो इतनी डिटेल में जाता ना तो कन्फ्यूजन हो जाती। सही है, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एग्जैक्टली इसका बिहेवियर क्या होगा। अच्छा, अब ये सेम चीज़ आपकी आ गई और के अंदर, सही है, इन सबको उठा के मैं नीचे कर देता हूँ, सही, इन सबको उठा के नीचे कर दिया ताकि यहाँ पे हमारा कोड ना इस वेरिएबल के साथ आ जाए। अच्छा जी, यूजर नेम और नम, ठीक है। अच्छा, नम नहीं, चलो इसमें इज ओपन लगा देता हूँ मैं, ठीक है। एक तरफ जो है वो स्ट्रिंग है, एक तरफ जो है वो फॉल्सी वैल्यू है, एक यूज़र नेम में जो है वो शो कर देगा ये। हाँ भाई, सब लोग श्योर हैं? अच्छा, आ जाओ देख लेते हैं, ठीक है। यूज़र नेम में जॉन लिखा हुआ था, वो शो कर दिया इसने। अच्छा, अगर मैं इस ओपन को इधर ले आऊँ और यूज़र नेम को मैं लास्ट में ले जाऊँ, अब इस ओपन में इस वक्त फॉल्स है, यूज़र नेम में ट्रू है इस वक्त, तो यूज़र नेम रिटर्न होगा। वेल डन यार, तो बच्चे तो बड़े चीते बैठे हैं यहाँ पे। लॉजिक वही है ना, जो एंड में हो रहा है वही है, लेकिन अपोजिट है इसमें, है ना, इसमें अपोजिट है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसको कोई एक ट्रू चाहिए, तो पहला ही अगर इसको ट्रू मिल गया ना तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं,
है ना, जो पहले, जैसे पहले में पहले यूज़र नेम था तो पहला ही ट्रू मिल गया तो बस वही वैल्यू रिटर्न कर दी इसने, आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अभी के केस में क्या हो रहा है कि इस ओपन में क्योंकि फॉल्स है तो ये यहाँ देखता है फॉल्स है तो ये आगे बढ़ता है ट्रू ढूंढने के लिए, जहाँ इसको ट्रू मिलता है वो वैल्यू रिटर्न कर देता है ये, सही है। तो एंड वाले में क्या होता था, पहली फॉल्स ही वैल्यू पर रुक जाता था और अदरवाइज आखिर तक जाता था तो आखिर वाली वैल्यू मिलती थी। इसमें क्या होगा, ये पहली फॉल्स ही वैल्यू अगर इसको मिल गई ना तो वहीं से सॉरी पहली अगर ट्रू थी वैल्यू मिल गई तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा, इसको आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको चाहिए सिर्फ एक कोई एक ट्रू हो जाए बस, सही है। अच्छा और के केस में तुम लोगों ने एक लॉजिक दी थी जब मैं हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ लॉजिक, तो और के केस में क्या बात हुई थी यहाँ पे, हाँ तो वो घर घर का तुमने लॉजिक दी थी कि अगर कोई घर में रेड करने जा रही है अगर टीम, हाँ ये दो अलग अलग एग्जांपल आप लोगों की साइड से आई थी कि एक तो अगर रेड करने जा रही है कोई टीम किसी घर पे तो उसने बाहर से ही अंदाज़ा लगाना है कि अंदर कोई है या नहीं है, तो या तो लाइट जल रही हो या तो किसी की आवाज़ आ रही हो और या तो चिमनी से धुआं निकल रहा हो, ये हमने, तो कोई एक अगर पहला ही ट्रू हो जाए कि अंदर लाइट जल रही है तो मुझे बाकी दो को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक में हमने ये बात डिस्कस की थी, तो यहाँ पे वही एग्जैक्टली काम हो रहा। तो मिसाल के तौर पे अगर पहले पे ना इज ओपन है, सही है, मिसाल पहला क्या था हमारा कि लाइट जल रही हो अंदर की, तो पहला वाला फॉल्स है, तो अब मैं दूसरे वाले को देखूंगा। अच्छा क्या यार किसी की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, तो अगर फॉल्स मिलेगा तो मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ अगर पहले में ही ट्रू मिल गया तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इससे भी एक स्पेशल किस्म का इफेक्ट यूज़ बनता है और इसका भी यूज़ होता है, इसका यूज़ नल चेक के लिए नहीं होता है, इसका यूज़ इसलिए होता है कि अगर मुझे दो वेरिएबल हैं मेरे पास, अब मैं चाहता हूँ कि यार एक से नहीं मिले तो दूसरे से मिल जाए, तो ये काम उससे होता है, ठीक है। आमतौर पर जो सर्वर बनाते हैं हम उसमें पोर्ट की जो सेटिंग होती है वो और के ऑपरेटर के साथ ही होती है, कि हम कहते हैं कि या तो इन्वायरमेंट वेरिएबल से उठा लो, अगर वहाँ नहीं मिले तो 3000 हार्ड कोडेड दे देते हैं, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली हम जो है ना कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि लेट पोर्ट इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट और 3000, हम ये करते हैं। तो अब इसमें होगा क्या, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्वर के अंदर एक सेटिंग होती है, अगर वहाँ पे वो पोर्ट मौजूद हुआ तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा और वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर 53341 जो भी नंबर था वो, अगर सर्वर के अंदर सेटिंग में से पोर्ट इसको नहीं मिला किसी भी वजह से, तो और के बाद ये जो एक ट्रूथी वैल्यू है ना तो हर हाल में 3000 इसको मिल ही जाएगा, सही है। अच्छा अगर हम इसमें और ऑपरेटर नहीं लगाएं और यहाँ पे उसको मिला नहीं, अनडिफाइन मिल गया, तो यहाँ पे अनडिफाइन आ जाएगा तो सर्वर क्रैश हो जाएगा मेरा, किस पोर्ट पे चलना है सर्वर को पता नहीं चलेगा, ठीक है। वेल अभी तो ये काफ़ी आगे का टॉपिक है सर्वर, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे एक लिख के दिखाया कि हम इसको इस काम के लिए ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये और के ऑपरेटर का भी ना ये मैं बना देता हूँ आपको मैप, अच्छा और का ऑपरेटर है, अच्छा पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू और चौथा ट्रू, ठीक है। विल रिटर्न फर्स्ट ट्रू वैल्यू, ठीक है, उसमें लास्ट ट्रू वैल्यू था, इसमें फर्स्ट ट्रू वैल्यू है, जो पहली ट्रू थी वैल्यू मिल गई ना इसको वो रिटर्न कर देगा ये। अब ट्रू वैल्यू का मतलब है कि एग्जैक्टली ट्रू नहीं, कोई भी ट्रू थी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अच्छा सेकंड वाले में क्या था कि बीच में एक नल अगर आ गया तो यहाँ पे, तो खैर यहाँ पे भी वही है कि विल स्टॉप एट फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू और फर्स्ट ट्रू वैल्यू, सही है, फर्स्ट ट्रू थी वैल्यू पे ये रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड विल रिटर्न दैट ट्रू थी वैल्यू, सही है, इसमें भी पहला है। अच्छा अब इसके लास्ट वाले केस में पहला फॉल्स है, सही है, विल स्टॉप एट फर्स्ट ट्रूथी वैल्यू एंड रिटर्न दैट ट्रूथी वैल्यू, सही है, इस केस में ये रिटर्न होगा, क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ज़बरदस्त, ओके। अच्छा तो यहाँ पे जो है ना हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया, अब इसको ज़रा अच्छे से मैं अरेंज कर देता हूँ आपके लिए ताकि बाद में आपको कोड पढ़ने में आसानी हो।
सही है, ये और हो गया, ये एंड हो गया, और ये नॉट हो गया। ठीक है, सीधा सीधा ये कोड आ गया। जी दोस्त, हाँ ज़्यादा वैल्यू फॉल्स हुई, क्या मतलब? हाँ हाँ अच्छा सवाल पूछा तुमने। एक और इसमें चलो ऐड कर देते हैं, सब फॉल्स है। अगर ट्रूथ टेबल के अंदर जो और ऑपरेटर है उसमें अगर दोनों साइड पे फॉल्स हो जाता है तो क्या होता है? फिर फॉल्स हो जाता है। तो ये पहला देखा फॉल्स है तो ये ट्रू की तलाश में आगे बढ़ेगा, फिर आगे देखा फॉल्स है तो ट्रू की तलाश में आगे बढ़ेगा, ये भी फॉल्स था, अब ट्रू की तलाश में आगे नहीं बढ़ सकता ये, तो यही फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, विल स्टॉप एट लास्ट फॉल्सी वैल्यू। सही है, इन केस ऑफ नो नो ट्रूथ फाउंड। सही है, इन केस के सारा फॉल्स हो जाएगा तो वो फिर जो है ना लास्ट तक जाएगा ट्रू की तलाश में, और लास्ट में अब मिसाल के तौर पे जैसे वो घर जो बंदे वाली एग्जांपल थी कि बंदा बेहोश है, सही है, तो वो हो सकता है बेहोश हो सकता है डेड हो, है ना। तो अभी हमें चेक करना है कि इज़ डेड और नॉट, तो हम कहेंगे यार सांस चल रही है, तो अगर तो सांस चल रही है हम कहेंगे हाँ यार जिंदा है, अब सांस नहीं चल रही। अब आगे हम देखेंगे क्या कि धड़कन हो रही है दिल में, तो अगर तो धड़कन हो रही है तो हम बोलेंगे अच्छा ये ट्रू है, अब कोई भी ट्रू नहीं मिल रहा, तो लास्ट तक अगर सब कुछ चेक कर लिया और सब फॉल्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि फॉल्स है ये, तो लास्ट तक हम फॉल्स लास्ट तक हम ट्रू की तलाश में जाएंगे, हम लास्ट तक देखेंगे कि अच्छा यार सांस शायद चल जाए या इसके नब्स शायद चल जाए या कहीं पे इसके मतलब वो आँख में ऐसे करके पता नहीं क्या करते हैं वो लोग, जब बंदा जाता है ना डेड बॉडी जाती है जब तो आँख में पता नहीं यूँ मार के चेक करते हैं, तो बंदा ऐसे सबकॉन्शियस उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो वो सब चीज़ें ट्राई करते हैं एक एक करके, तो अगर वो सब ट्रू सब फॉल्स होती जाए तो वो लास्ट में बोलते हैं कि बस फॉल्स है अब इसका कोई चांस नहीं है, तो ये वो वाला सीन है। हाँ हाँ बिल्कुल, नाम से जाहिर हो रहा है। सॉरी, बिल्कुल कॉम्बिनेशन लगता है, अभी हम आ रहे हैं उसकी तरफ। सही है, ये अभी स्टिल हमने क्या देखा है ये कि ये इसका बिहेवियर देख रहे हैं, अभी ये इस्तेमाल कहाँ होगा अभी हम फौरन इसको थोड़ी देर में देखेंगे। हाँ हाँ सही है, अभी इसकी प्रिसिडेंस है, इसका ना प्रिसिडेंस है, अगर कि एंड और एक साथ आ जाए अगर तो पहले कौन सा चलेगा, जो हमने प्लस माइनस में पढ़ा था ना प्रिसिडेंस, ये वो वाला व्यंजन होगा फिर। ठीक है, और फिर प्लस माइनस भी हो मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो साथ में प्लस प्लस माइनस माइनस भी हो साथ में एंड और भी हो फिर आएगा असल मज़ा, है ना। अच्छा तो हम अभी हमने क्या किया है, देखो शुरू में हमने इफ़ पढ़ा था ना, तो इफ़ हमने पहले ये एक्सप्लोर किया था कि ये चलता कैसे इन द फर्स्ट प्लेस, उसका बिहेवियर हमने अच्छी तरह से देखा था कि अच्छा उसको ट्रू मिलता है तो क्या करता है, ट्रू के अलावा कोई वैल्यू मिलती है तो क्या करता है, वो सब चीज़ें देखने के बाद ना फिर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया था BMI कैलकुलेटर, तो उसमें आपने देखा कि वो सब आ गया था, फिर प्लस प्लस भी आ गया था और वो दूसरे डिवाइड वगैरह के भी ऑपरेटर आ गए थे। तो अब हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी एग्जांपल बनाएं जिसमें ये एंड और भी आए और इससे पहले जो प्लस माइनस हमने यूज़ किया ऑपरेटर्स वो भी साथ में आए, ताकि हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिले। ठीक है जी, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, इसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो रह गई हो। अच्छा, ये कल तक का कोड था हमारा, आज का कोड जो है वो ये इतना है। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, इसके ऊपर आज का कोड लिखा है हमने। ठीक है जी, ये टॉपिक तो हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं बुक में देखते हैं अगला क्या है।